नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज की हमारी ये खास पेशकश बेशक आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएगी, क्योंकि जहां पूरी दुनिया इस वक्त मंदी की आड़ तले दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना भारत रोजाना नए आयाम गढ़ रहा है, और इसकी एक तस्वीर देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में साफ तरफ से नजर आ रही है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप अपनी पसंदीदा कार खरीदने की चाहत इस वक्त रख रहे हैं, तो यकीन मानिए फेस्टिव सीजन गुजर तो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर आज की डेट में आप अपनी पसंदीदा कार बुक करते हैं, तो आपको 20 से 22 महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और ये एक बड़ी वजह है जो बताती है कि किस तरह से ऑटो सेक्टर में और भारतीय ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जिस तरह की रफ्तार पकड़ी है, वो दिखाती है कि भारत की तस्वीर बदल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो वेटिंग पीरियड का पूरा झमेला है, ये थोड़ा बहुत एंथुजियाज्म भी किल करता है। इस बदलती तस्वीर के बीच ऑटोमोबाइल कंपनियों की माथे की टेंशन बढ़ रहा है डिमांड को तय समय पर पूरा करना। और आज इस हार शो में इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, इसके अलग अलग पहलुओं पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ मौजूद होगा मेहमानों का एक बहुत ही विशेष पैनल, लेकिन सबसे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए जो आपको बताएगा कि मौजूदा तस्वीर है कैसी। अपनी पसंदीदा गाड़ी की डिलीवरी के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कार बाजार में कारों की जबरदस्त डिमांड है। डिमांड का हाल ये है कि 20 से 22 महीने की वेटिंग चल रही है। 8 लाख से ज्यादा कारों की डिलीवरी इस वक्त पेंडिंग है, जिसमें 99% पेट्रोल डीजल की कारें हैं। इसीलिए बड़ी कंपनियां पेट्रोल डीजल कारों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर करीब 20,000 करोड़ खर्च करेंगी। वैसे तो सेमीकंडक्टर्स की कमी अभी है, लेकिन पहले से इसमें सुधार आया है। अगर आज आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को खरीदते हैं, तो इसकी डिलीवरी आपको 21 महीने बाद मिलेगी। नवंबर में सबसे ज्यादा इंतजार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के लिए करना पड़ रहा है। महिंद्रा की इस एसयूवी के आते ही इसकी जबरदस्त बिक्री देखी गई। बुकिंग शुरू होने के आधे घंटे के भीतर इसके 1 लाख से अधिक यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी थी। नवंबर में महिंद्रा एक्सयूवी 700 की वेटिंग पीरियड में कुछ कमी आई है। इसका डिलीवरी टाइम 18 महीने से घटकर 15 महीने हो गया है। अब भी इसके डीजल मॉडल की मांग सबसे ज्यादा है। जल्दी डिलीवरी के लिए पेट्रोल मॉडल लिया जा सकता है। दूसरी सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड वाली गाड़ी किया की कैरेंस एमपीवी है। इसके लिए आपको 19 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके 1.5 लीटर मैनुअल प्रेस्टीज बेस मॉडल की वेटिंग सबसे ज्यादा है। किया सोनेट अभी ब्रांड की सबसे ज्यादा बिक्री वाली कार है। इसके लिए आपको 10 महीने तक रुकना होगा। अक्टूबर में इसका वेटिंग पीरियड 11 महीने था। वहीं अक्टूबर में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कार ह्युंडई क्रेटा थी। इसकी जबरदस्त डिमांड ने क्रेटा की डिलीवरी टाइम को 8 महीनों तक बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक कारें भविष्य का ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, लेकिन अभी भी पेट्रोल डीजल कारों की डिमांड कम नहीं हुई है। यही वजह है कि लंबा वेटिंग पीरियड आपकी फेवरेट कार को घर लाने में लंबा इंतजार करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से जो एसयूवी सेगमेंट है, वहां पर ज्यादा डिमांड नजर आ रही है, और यही लंबा इंतजार। जैसा हमने आपको बताया कि नवंबर में आप कोई गाड़ी बुक कर रहे हैं, तो सोचिए 20 महीने बाद वो गाड़ी आपको मिलेगी। साई गिरधर साहब हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में सबसे पहले शामिल हो रहे हैं। आप हैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के सेक्रेटरी। साई गिरधर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही, जिस तरह के डेटा सामने आ रहे हैं, उसमें एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ऑटो बिक्री के शानदार आंकड़े हैं और आपने भी वो आंकड़े पेश किए हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पसंदीदा कार के लिए लंबा इंतजार। क्या फैक्टर्स हैं इसकी वजह, और इसकी वजह से क्या, जब हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन तो गुजर चुका है, उसके बावजूद 10 से 20 महीने तक का इंतजार फेवरेट कार्स के लिए लोगों को करना पड़ रहा है। सुदेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे को शो में लाने के लिए। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बखूबी बताया, मैं थोड़ा सा आपको फिगर्स से रूबरू कराना चाहूंगा इसके अंदर में। अगर हम बात करते हैं खाली अक्टूबर माह की, जो लास्ट मंथ का महीना था, वो हमारे ऑटो सेक्टर के अंदर में इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मंथ्स जो हमारा अभी गया इसके अंदर।
स्पेशली अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो करीब करीब 40% का ग्रोथ था इसके अंदर में पिछले साल के अगर हम कंपेयर करें तो। और अगर हम इसको 2019 से कंपेयर करते हैं जो कि प्री कोविड महीना था, तो अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 18% की ग्रोथ थी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर में। इनफैक्ट अक्टूबर एक पहला ऐसा महीना था जिसमें सारे सेगमेंट्स, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, ट्रैक्टर सेगमेंट्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, सब में ग्रीन है अगर हम 2019 से भी कंपेयर करते हैं उसको। तो बहुत ही इंकरेजिंग आंकड़े हैं। अगर हम फेस्टिवल की बात करें, फेस्टिवल के माह की बात करें, पिछले साल जब हमने फेस्टिवल के आंकड़े रिलीज करे थे तो हम बात कर रहे थे कि हमारे ये वर्स्ट आंकड़े हैं कोई 10 साल के अंदर में। इस साल जब हमने फेस्टिवल के आंकड़े रिलीज करे तो ये हमारे पिछले 4 साल के सबसे अच्छे आंकड़े हैं। और जो स्पेशल इसके अंदर में मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है, टू व्हीलर सेगमेंट ने फर्स्ट टाइम इसके अंदर में ग्रोथ दिखाई है। थोड़ा सा ये अगर सस्टेन करेगा अपने आप को अगले 3-4 महीने के अंदर में, तो प्रोबेबली वी विल हमें लगेगा कि हम अब बाहर आ गए हैं टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में भी। बल्कि अगर बाकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक अच्छा ग्रोथ का माहौल है। जहां तक ऑलरेडी जो हम अभी वेटिंग की बात कर रहे हैं, अभी भी गाड़ियों पे वेटिंग है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं बेसिकली वेटिंग के। आज चाइना में हम दोबारा बात देख रहे हैं कि लॉकडाउन हो रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उससे भी थोड़ी सी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। थोड़े से ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज से अभी भी कंपनीज जूझ रही हैं। तो अभी भी अगर हम बात करें तो कंपनी पूरी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट कर पा रही है उसके अंदर में। और जो एक पेंट अप डिमांड था, जो लोग वेट कर रहे थे गाड़ियां लेने की, अब क्योंकि नए मॉडल्स भी आ रहे हैं, नए फीचर्स के साथ गाड़ियां आ रही हैं, तो उससे भी थोड़ा सा लोग प्रभावित होते हैं उनको लेने के लिए। और कोविड के बाद में शायद एक ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि हर एक परिवार को एक अपनी खुद की गाड़ी चाहिए। वो जो पहले होता था कि आप एक टैक्सी पे या किसी दूसरी गाड़ियों पे आप निर्भर होते थे अपने डे टू डे कम्युनिटी के अंदर में, तो वो शायद अब नहीं है। आज परिवार के हर सदस्य को कहीं ना कहीं एक अपनी पर्सनल कार चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा ये प्री कोविड का भी अगर देखा जाए तो माहौल है इसे। बिल्कुल साईं जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे हम। मैं जब ये डेटा पूरा देख रहा था तो इसमें मैं देख रहा था कि झुकाव जो है वो एसयूवी और लग्जरी गाड़ियों की तरफ ज़्यादा है, जो हम वेटिंग भी देख रहे हैं और जिन जिन कंपनियों की देख रहे हैं तो इस सेगमेंट में ज़्यादा देख रहे हैं, जबकि एंट्री लेवल में जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर वेटिंग वाली उतनी दिक्कत नहीं है। तो क्या जो भारतीय जनमानस है, जो जो कारों का शौकीन है, क्या उसकी चॉइसेस में भी एक शिफ्टिंग नज़र आ रही है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? डेफिनेटली अगर आज हम बात करेंगे तो ये एक स्ट्रेट ये हाईलाइट करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। आज से अगर आप कोई 4-5 साल पुराना अगर आप हिंदुस्तान का रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था जहां पर आप 1 मिनट को भी सोच सकते थे कि आप एक शहर से या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आप बाय रोड गाड़ी लेकर के जा सकते हो। आज की डेट के अंदर में हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में आप बाय रोड गाड़ी लेके जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन गया है। स्पेशली जब आप हाईवे पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो थोड़ा सा एसयूवी या थोड़ी सी ऊंची लेवल की जो गाड़ी है उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। एंड स्पेशली हिंदुस्तान जो मार्केट है, इट इज अ मार्केट ऑफ यंग जनरेशन टुडे। यंग जनरेशन को डेफिनेटली थोड़ी एसयूवी और मस्कुलर गाड़ियां पसंद आती हैं। तो एक ये ट्रेंड है, झुकाव है, एंड इट इज एन इंटरनेशनल फिनोमेना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, ये इंटरनेशनली है। बट इसका सीधा असर अगर आप देखेंगे, कोरिलेशन जो है इसका, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट हुआ है। ये बहुत अहम बात है कि जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जिस तरह से ऑटो सेक्टर में डिमांड नज़र आ रही है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, लोग डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन समय पर उन्हें डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टूटू धवन साहब हैं, जाने माने और जो एनालिस्ट। टूटू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और इसके साथ ही हमारे साथ नितिन दौसा साहब हैं, चेयरमैन वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टूटू सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो वेटिंग पीरियड का झमेला है, क्या ये इंथुजियाज़म किल नहीं कर देता? मसलन कि अगर फेस्टिव सीजन में मुझे चाहिए या किसी खास मुहूर्त पे मैं घर पे गाड़ी लाना चाहता हूँ और अब मुझे 10 महीने 20 महीने का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं आप एक ऑब्जर्वर के तौर पर? देखिए, ये तो हमारे को पुराने दिन याद आ गए जबकि गाड़ियां 20-20 साल के बाद मिलती थी और स्कूटर
हम बुक करते थे तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को जाके मिलता था। ये एक्चुअली जो हमारी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आई है उसके बाद से ये प्रॉब्लम आई है, और सडनली एक डिमांड भी बढ़ गई है। 2 साल जो हमारे पास एक हाइटेस था, इसके साथ सब जने अपने घरों में बंद थे और कोई शॉपिंग नहीं कर सकता था, कोई सामान नहीं खरीद सकता था, और साथ साथ में उसी के इकोनॉमी भी हमारी डाउन हो गई। अब आपने देखा ही होगा कि पिछले साल भर से हमारी इकोनॉमी भी बेटर होती जा रही है, और जो जो पेंट अप डिमांड थी उस 2 सालों की, वो सडनली अब सबको उसी वक्त चाहिए। और हमारी तो वैसे भी अब आदत थोड़ी सी बिगड़ गई, हम भी वी ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज, ये जाइए इंटू द शोरूम एंड गेट योर कार एंड कम आउट विद इट। तो ये माहौल फिर से आएगा, पर आई थिंक दिस विल बी 2023 एंड में जाके कहीं थोड़ी सी सहूलियत होगी, जिसके साथ आपको गाड़ियां उसी स्टेज में आ जाएंगी जबकि मिल सकेंगी आपको ऑन द स्पॉट। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो चैलेंजेस हैं ये बड़े तो हैं और वक्त के साथ ही इस पर से काबू पाया जा सकेगा। नितिन सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त डिलीवरी देने में आप देख रहे हैं? क्या इस तरह का लंबा जो वेटिंग पीरियड है वो जो ऑटो सेक्टर के बिजनेस है या कंपनियों के जो बिजनेस की शिफ्टिंग है वो उस पर भी बहुत बड़ा असर डालता है, लोगों के जो चॉइसेस या डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर भी असर डालता है? ये तो होने का ही है, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है कि चिप्स जो आती है वो अवेलेबल नहीं है, कोई टाइम कभी चाइना से आती है। एक टाइम ऐसा था कि 10 से वो जो 15 साल गाड़ी का वेटिंग था जब खाली फियाट एंड एम्बेसडर। और ये जो शॉर्टेज है वो वर्ल्ड ओवर में है, आज एनीवेयर इन द वर्ल्ड कहाँ भी आप जाएंगे आज शोरूम से गाड़ी नहीं उठा सकते कि आज ये मेरे को ये गाड़ी चाहिए तो अवेलेबल है। तो इसका भी शॉर्टेज तो वर्ल्ड ओवर में। बिल्कुल, तो ये जो समस्या है वो ग्लोबली है और इससे सभी जूझ रहे हैं, लेकिन भारत में चूंकि फेस्टिव सीजन में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन के बाद अब शादियां हैं और वहां पर तो स्पेसिफिकली लोग चाहते हैं, तो ये जो डिमांड अचानक से सर्ज होती है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और साई गिरधर साहब, एक चीज़ समझना चाहेंगे, तो क्या जिस तरह की परिस्थितियाँ उसमें हम ये मान लें कि हमें फेस्टिव सीजन या किसी मुहूर्त का इंतजार छोड़ के अब जो भी गाड़ी हमने शॉर्टलिस्ट की हुई है उसको जाके फटाफट से अभी बुक कर देना है और थोड़ा सा धैर्य रखना है? आमतौर पे भारतीय जो ग्राहक है वो जब किसी चीज़ को लेने की तैयारी करता है, हम कहते भी हैं कि अब आज मन बन गया तो आज घर पे तो गाड़ी लेके ही आएंगे, तो थोड़ा सा तो उत्साह पर फर्क पड़ता है, लेकिन किस तरह की रणनीति बनानी होगी? कि हम जो भारतीय हैं हम एक बड़े क्विक लर्नर्स हैं, तो हम परिस्थिति से हम एकदम से समझ लेते हैं। आज की डेट के अंदर में जब हमारे यहाँ पे भी ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, अगर हम जैसे धवन साहब ने भी बोला, अगर हम आज से कोई साल 1.5 साल पहले की बात करें तो सारी गाड़ियां इमीडिएटली रेडीली अवेलेबल होती थी, कस्टमर सुबह आता था दोपहर तक अपने घर पे गाड़ी ले जाया करता था। आज की डेट के अंदर में नॉर्मल कस्टमर को ये चीज पता है कि जब वो शोरूम पे जाएगा उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ियों पे वेटिंग पीरियड होना लाजमी है। किसी गाड़ी पे 4 हफ्ते की वेटिंग है या किसी गाड़ी पे अगर 2 साल की वेटिंग है तो उसको बुक करानी पड़ेगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हम देख रहे हैं कस्टमर के अपना नेचर के अंदर में, इन दी सेंस जैसे पहले वो बिल्कुल ही रिजिड होता था कि नहीं मेरे को यही कलर और यही वेरिएंट लेना है। आज के डेट में कस्टमर्स की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, उनकी कलर्स के अंदर में वो ऑप्शंस देने लग गए हैं, वेरिएंट्स के अंदर में वो ऑप्शंस देने लग गए हैं। डेफिनेटली आज की डेट में भी मुहूर्त एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शायद बड़े शहरों में नहीं करे लेकिन छोटे शहरों के अंदर में तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। लेकिन कस्टमर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है आज की डेट के अंदर में, कस्टमर्स कलर्स वेरिएंट्स इन सब में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, इनफैक्ट सेगमेंट में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। हमने ये भी देखा है, अगर एसयूवी नहीं मिल रही है तो वो सेडान ले लेता है, इतना तक कॉम्प्रोमाइज कस्टमर्स कर रहे हैं गाड़ियां घर पे लेके जाने की। बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है कि घर से निकले हैं और मन बन गया है कि घर में एक नई चमचमाती गाड़ी आए, तो फिर एसयूवी नहीं सही, सेडान लेकर ही आएंगे। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो वाकई भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर का तो हौसला बढ़ाती हैं। टूटू सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये सवाल मैंने साईं जी से भी पूछा और आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि जो एसयूवी है
और जो लग्जरी कार सेगमेंट है यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है भारतीय ग्राहकों का, और यहाँ पर ही हम ज़्यादा वेटिंग देख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या देखते हैं? आमतौर पे भारत में तो बजट जो है सबसे पहले सोचा जाता है, उसके बाद अपनी चॉइसेस देखी जाती हैं, तो ज़रा बताएं इसकी प्रमुख वजहें आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप कह रहे हैं बजट की। बजट में तो अब जो ये छोटी एसयूवीज बनानी शुरू कर दी हैं वो एट पार हो गई हैं ऑलमोस्ट लाइक इंसिडेंट्स के साथ, तो ये तो अब आप छोड़ दीजिए कि बजट के अंदर नहीं आएगी। बाकी जो एसयूवी की जो इस वक्त चाहत लोगों को शुरू हो गई है वो एक फैशन बन चुका है वर्ल्ड वाइड, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर एक फैशन बन गया है कि This will give you a manly look, a manly macho look, जिसको कहते हैं हम, और उस करके ये हर एक आदमी चाहता है कि एक SUV टाइप की गाड़ी होनी चाहिए। अब आप वो देखते हैं थार और महिंद्रा की जो है, हालांकि honestly speaking, they are not very comfortable in comparison to जो हमारी sedans हैं और हमारी जो नई SUVs हैं, बट फिर भी उनकी दो दो साल की तीन तीन साल की वेटिंग है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मैनली फीलिंग दैट यू गेट व्हाइल ड्राइविंग दैट कार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बातें वाकई जो हैं वो हम एक बदलाव के तौर पर भी हमें इसे देखना होगा, और इन सारी चीज़ों में जो भारतीय ग्राहक है उसकी जो चॉइसेस हैं, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, उनके हिसाब से इंडस्ट्री को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है प्रोडक्शन का, हमारी जो प्रोडक्शन की तैयारी है वो किस तरह से है, क्योंकि हम टारगेट तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। नितिन सर, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा, जो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी के लक्ष्य हैं या जो ग्राउंड ज़ीरो पर या जिस तरह से कंपनियां उसमें तैयारी कर रही हैं, वो क्या उस लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं? प्रोडक्शन क्षमता के हिसाब से हमें किन किन और क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम करना होगा? इसमें ऐसा है कि अभी तो जो प्रोडक्शन है वो तो ठीक है, पर अभी चिप के वजह से शॉर्टेज है, और क्या हो गया कि डिमांड इसके लिए बढ़ गई है कि जो पहले टू व्हीलर वाले थे वो अभी छोटी गाड़ियां पे आ गए, तो इसके लिए वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। नहीं तो एक दो साल पहले तो इतना कोई लेट वेटिंग पीरियड नहीं था, कोई कोई सिडान थी वो आपको शोरूम से मिल जाती, तो ये तो अभी क्या इकोनॉमी अपनी अच्छी है इंडिया की, तो इसके लिए बायर्स भी जास्ती बढ़ गए। बाकी तो एक्सपोर्ट भी गाड़ियां यहाँ से हो रही है, तो नहीं तो अगर जो इधर की डिमांड रहती तो इतना एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बट एक्सपोर्ट भी हो रही है कोई कोई मेक्स, पर ये नेक्स्ट वो जो 6 महीने में सेटल हो जाएगा। एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया है, एक आशावादी सोच है कि अगले 6-8 महीने में कहीं ना कहीं और बेहतर स्थितियां हम देखेंगे अगर हम इस डिमांड को मैचअप करने की बात करते हैं। साईं जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, हालांकि जिस तरह की सेल्स के आंकड़े हैं वो तो हौसला बढ़ाने वाले हैं, लेकिन वही होता है कि अचानक जब इंडस्ट्री ओपन होती है, हमने देखा कि एक क्राइसिस के बाद दूसरे क्राइसिस में ऑटो सेक्टर फंसा रहा, पहले हम कोविड की बात करें, फिर चिप संकट, इन सारी चीज़ों, क्या इस वजह से भी जो हैं अभी जो डिमांड को फुलफिल करने की दिक्कतें आ रही हैं वो पेश आ रही हैं, क्योंकि हम इस वेटिंग को सामान्य तो वाकई नहीं कह सकते। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ग्राहक के तौर पे मैं देखूँ तो ये मेरा एंथुसियाज्म तो किल करते हैं, मेरा उत्साह तो किल करते हैं। ये सुदेश जी, जहाँ तक की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात है तो हिंदुस्तान के अंदर में प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है, अगर हम सारे OEMs का अगर हम उनकी ऑप्टिमम कैपेसिटी अगर 100% कैपेसिटी पे अगर उनके सारे प्लांट चलेंगे तो ये वेटिंग पीरियड नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम आज की डेट में यह है कि हम सब कुछ करने के बावजूद भी हम अभी भी 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे OEMs नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिकॉज जैसे कि टीटू धवन जी ने भी कहा कि हमारे जो चिप्स की शॉर्टेज है वो चिप्स की शॉर्टेज अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है। आज इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपना इनिशिएटिव लिए हैं कि हम चिप्स इंडिया में बनाना शुरू करें, बट वो आज अगर आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो 3 साल का प्रोजेक्ट है, वो 3 साल बाद वो फैक्ट्री जो आज फैक्ट्री लगेगी वो 3 साल बाद प्रोडक्शन में आएगी, तो 3 साल बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे वो चिप्स को बनाने में,
और 3 साल बाद भी हम अपनी खुद की कैपेसिटी मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर में भी एक सवाल है। तो मेरा तो अभी भी यही मानना है, जैसा टीटू धवन जी ने भी कहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली शायद पहले हम बात करते थे कि 2022 के एंड तक आते आते ये शॉर्टेजेस और ये चीजें खत्म हो जाएंगी, बट आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो ये साफ दिख रहा है कि कहीं 2023 के एंड तक जाकर के शायद ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आ पाए, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट के अंदर में। आज की डेट के अंदर में अगर आपके पास सारी चीजें हो भी तो भी आप एक ग्लोबल मंडी में बैठे हैं, आप अगर गाड़ी आप हिंदुस्तान में भी बना रहे हैं लेकिन आप ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उससे आपका हिंदुस्तान का प्लांट कहीं ना कहीं जा करके इफेक्ट हो जाता है। अगर पूरी गाड़ी बन गई और एक छोटी सी भी उसमें एक चीज रह गई, आप उस गाड़ी को बेच नहीं सकते, आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते, और इतने सारे उसके अंदर में वेंडर्स, इतने सारे उसके अंदर में सपोर्ट्स उसके अंदर में आपको चाहिए होती हैं उसको एक गाड़ी को बनाने के लिए, कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा भी अगर लिंक पूरा नहीं होता है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट नहीं होती है। हमने देखा है ऑलरेडी बड़े सारे ओईएम्स के अंदर में कि गाड़ियां कंप्लीट खड़ी हुई हैं, किसी के अंदर में म्यूजिक सिस्टम नहीं है, किसी के अंदर में एक पर्टिकुलर ऐसी एसेसरी है वो नहीं कंप्लीट हो पा रही है, जिसकी वजह से आप गाड़ी डीलर को बिल ही नहीं कर पा रहे। गाड़ी आप गाड़ी खड़ी है, गाड़ी 99% गाड़ी बन के खड़ी है लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पा रहे उसको, आप दे नहीं पा रहे हैं उसको गाड़ी। तो ये एक ग्लोबल समस्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये इंडियन इशू है, ये ग्लोबल समस्या है और पूरे वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल इस समस्या का सामना कर रहा है। हमारी उम्मीद है कि हम 2023 में जाकर के कहीं जाकर के इसको थोड़ा सा हम रेगुलराइज कर पाएंगे, थोड़ा सा डिमांड भी मेरे हिसाब से टेपर होना चाहिए इसके अंदर में, क्योंकि एक पेंट अप डिमांड था पिछले 2 साल का, लोगों ने लोग खरीद नहीं पा रहे थे, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थी खरीदने की, तो एक तरह से वो एक पेंट अप जो डिमांड है वो भी सामने आ रही है। अब ये पेंट अप डिमांड कितने टाइम तक और आगे रहती है ये भी, इसके ऊपर में भी एक सवालिया निशान है। आज अगर हम बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, पिछले कोई 3-4 महीने के अंदर में हम करीब 4 बार आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, जिससे कि जो गाड़ियों की ईएमआईज हैं वो महंगी हो गई हैं। सिर्फ गाड़ियों की ईएमआई नहीं, लोगों के जो घर की ईएमआईज हैं वो भी महंगी हो गई हैं। तो अगर एक जो हम जो जो बिजनेस करते हैं शायद प्रॉब्ली वो तो इसको मीट आउट कर सकते हैं, बट एक जो सैलरी क्लास आदमी है जिसकी एक फिक्स सैलरी आती है, उसमें उसका एक बजट होता है जिसमें वो कुछ ईएमआईज जाती हैं, और उसके अंदर में अगर स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के शायद डिमांड थोड़ी सी टेपर होगी। बट अभी 2023 एंड तक हमें लग रहा है कि कहीं जाकर के सामान्य सिचुएशन आनी चाहिए, तब तक तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ डिमांड्स। और जिस समस्या की आप बात आप कर रहे हैं कि एक ग्लोबल समस्या है, लेकिन वो भारत में थोड़ी और बड़ी हो जाती, क्योंकि हमारा जो ग्राहकों का जो साइज़ है, जो जितनी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी कार कंपनियाँ हैं, वो भी एक तरह से डिसअपॉइंट होती हैं कि एक उम्मीद के साथ कोई आया और वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, उसे इंतज़ार करना पड़ रहा है। उम्मीद यही है कि आगे आने वाले वक्त में ये स्थितियाँ बेहतर हों। टूटू सर, किस तरह के सेगमेंट में आप लोड ज़्यादा देख रहे हैं और किस तरह की गाड़ियों में लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे एसयूवी का जो एक सेगमेंट बन गया है और उसकी डिमांड बढ़ गई है, वो सिर्फ एक माचो लुक के लिए ही नहीं है, ये एक कंफर्ट लेवल भी है। अब जैसे जो बुजुर्ग होते जाते हैं, 50-60 साल की उम्र ऊपर से चढ़ती आती है, तो वी ऑल वांट के आराम से हम गाड़ी में बैठ जाएं, आराम से निकलें, नीचे ना झुकना पड़े, तो वो एक रिक्वायरमेंट भी हो गई है फॉर एल्डरली पीपल। तो हमारी जो इंडस्ट्री है एक्चुअली मूव्ड फ्रॉम द सेडान टू SUVs, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड बन चुका है, और ये ट्रेंड सिर्फ अपनी हेल्थ को देखते हुए उससे और थोड़ी सी ज्यादा चाहत हो गई लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा।
इन सारी चुनौतियों को, और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल चुनौतियां हैं, भारत के लिहाज से कौन से अहम कदम उठाने होंगे? और जैसा आपने कहा कि आने वाले वक्त में स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है, अगर पूरे स्टेक होल्डर्स को देखें, उनके हक से अगर बात करें, तो किन चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है और एक लंबा नज़रिया किस तरह से देखना होगा? अभी तो क्या है, इनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो 15 साल पहले की गाड़ियां जो अभी स्क्रैप होने वाली है, तो वो बायर्स वापस मार्केट में आएंगे, क्योंकि गाड़ी आज कोई लग्जरी नहीं है, एसेंशियलिटी हो गई है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो ट्रेन्स में जा रहे ओवर क्राउडेड है, बसेस ओवर क्राउडेड है, तो उनको उनकी गाड़ियाँ चाहिए कि हम आराम से जा सकें। तो अभी तो डिमांड और बढ़ेगी मेरे हिसाब से, 1-2 साल में तो और समस्या होगी गाड़ियां मिलने। बिल्कुल, तो प्रोडक्शन पे कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। और ये जो जैसा बहुत अहम बात हमने कही कि 15 साल वाली जो गाड़ियां हैं जब स्क्रैप में जाएंगी, तो वो भी एक नए बायर्स जुड़ेंगे और उनकी डिमांड पूरा करने की भी एक चुनौती हमारे सामने खड़ी होगी, जिसको हमें पूरा करने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जो ग्लोबल चुनौतियाँ हैं, चिप शॉर्टेज हो, सप्लाई की दिक्कत हो, ये तो बरकरार रहेंगी, लेकिन उसी में हमें रास्ता खोजना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नितिन जी आपका, इसके साथ ही साई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, टूटू सर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार विश्लेषण के लिए। और ईटी नाम स्वदेश के इस खास पेशकश के जरिए हमने कोशिश यही की कि जो ये डिमांड है, उत्साह तो बढ़ाती है, लेकिन इस डिमांड में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो कंज्यूमर है उसका एंथुजियाज्म किल नहीं होना चाहिए। ये लंबे लंबे वेटिंग पीरियड उसका उत्साह कहीं ना कहीं कम करते हैं, इसको भी ध्यान रखना होगा सभी स्टेक होल्डर्स को, और देखना होगा कि इसके क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।